स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, गुड मॉर्निंग. आई एम मलिक सर. आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द लेसन टू कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड. राइट, तो इसका रिवीजन चल रहा है, आपको पता ही है. तो इसमें मैंने कल आपको पढ़ा था डिफिशियंसी डिजीज के बारे में, और खासकर प्रोटीन के कमी से जो डिफिशियंसी डिजीज होता है, और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के कारण से जो डिफिशियंसी डिजीज होता है. ठीक है, तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ विटामिन की कमी से, है ना, किसी खास पर्टिकुलर विटामिन की कमी से जो होने वाले बीमारी है, डिफिशियंसी डिजीज है उसके बारे में. ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पर ये टेबल देखिए. ठीक है, अब यहाँ देखिए विटामिन ए. विटामिन ए की कमी से अगर हमारे बॉडी में बहुत दिनों तक अगर विटामिन ए की कमी चल रही है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है. ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस नाम का रोग होता है, इसको हिंदी में हम लोग रतौंधी भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, आदमी पुअर विजन, उसकी देखने की शक्ति घट जाती है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, और खासकर रात में अंधेरे में कम रोशनी में उसको दिखाई नहीं देता. ठीक है, शाम होते ही उसको दिखाई देना बंद हो जाता है. अब देखिए विटामिन वन, विटामिन बी वन. ठीक है, विटामिन बी वन की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है बेरी बेरी, है ना. इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम वीकनेस, जिसको ये बीमारी होती है वो काफी कमजोरी महसूस करता है, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, उसके पैर फूल जाते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट, उसका जो वो है एनर्जी लेवल जो है काफी घट जाता है, उसका वेट घटने लगता है. ठीक है, तीसरा है विटामिन बी टू. बी टू की कमी से स्किन का डिसऑर्डर होने लगता है, स्किन खराब होने लगता है, इरिटेशन इन आईज, आंख, है ना, जो बीमारी होती है स्किन ऑर्डर डिसऑर्डर्स नाम का बीमारी होता है, और उसके सिम्टम्स जो है इरिटेशन इज आई, आईज में इरिटेशन होता है, ड्राई स्किन, स्किन ड्राई हो जाती है, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, जी में जलन देने लगता है ना. तीसरा है विटामिन बी ट्वेल्व. विटामिन बी ट्वेल्व के कारण से कौन सा बीमारी होता है, प्रीमिशियस एनीमिया, है ना, प्रीमिशियस एनीमिया नाम का रोग होता है. इसमें क्या होता है, स्किन जो होता है पीला हो जाता है, डिफिशियंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी में लाल रक्त कोशिका जो है उसकी कमी हो जाती है ना, उसका स्टेमिना जो होता है लोगों का और एपिटाइट जो होता है घट जाता है, माने आप ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकते कोई भी चीज, फ्रीक्वेंट हेडेक, जल्दी जल्दी माथा दर्द करना, है ना, बराबर माथा दर्द की शिकायत, ये सब. एक है विटामिन सी. विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है ना. इसमें क्या होता है, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, हमारे जो गम्स है मसूड़ी जो होते हैं फूल जाते हैं और उसमें खून का रिसाव होने लगता है, लूजनिंग ऑफ टीथ, दांत टूटने लगते हैं, है ना, उम्र से पहले. वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, अगर कोई घाव है तो उसको भरने में, उसको सूखने में, उसको ठीक होने में लंबा वक्त लगेगा अगर विटामिन सी की कमी है तो. विटामिन डी के कारण से रिकेट नाम का रोग होता है. कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, है ना. तो इसमें क्या होता है, सॉफ्टन एंड बेंट बोन्स, में आदमी का बोन जो होता है थोड़ा सा मुलायम हो जाता है और वो आसानी से बेंट कर जाता है, और बोर्ड लेग्स, उसका लेग्स जो होता है बो के आकार में, धनुष के आकार में हो जाता है ड्यू टू माल फॉर्मेशन ऑफ लेग बोन्स. ठीक से लेग बोन्स होते हैं उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, पेन इन बोन्स, बोन्स में पेन होने लगता है, है ना. अब लास्ट है विटामिन के. विटामिन के कारण से कौन सी बीमारी होती है, हेमोरेज, है ना, हेमोरेज, उसके कारण से डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, आदमी को जो खून वगैरह देखते हैं ना, कट वगैरह जाता है, गांव वगैरह में खून रिसता रहता है, हम लोग दाबते हैं तो बंद हो जाता है, तो वहां पर उसके कारण से ब्लड में जो विटामिन के रहता है ना, उसके कारण से ये आसानी से जम जाता है और खून का बहना बंद हो जाता है, तो वही ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता, इसकी कमी से ब्लड क्लॉट नहीं करता, रिजल्टिंग इन एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वॉटर, जिसके कारण से घाव से ज्यादा खून रिस जाता है, और जानते हैं खून कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, अब देखिए मिनरल डिफिशियंसी डिजीज, मिनरल की कमी के कारण से जो बीमारियां होती हैं, पहला देखिए आयरन. आयरन की कमी से एनीमिया नाम का रोग होता है, इसमें लेस हेमोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग ब्लड, इसके कारण से हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बहुत घट जाता है, और हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं घटना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को का कैरियर है ये, है ना,
जो एक जगह से दूसरी जगह तक उसको लंग से पूरे बॉडी तक फैलाता है। तो इसके इसमें क्या होता है, वीकनेस एंड फैटिग, कमजोरी हो जाता है, लॉस ऑफ वेट, वजन घटने लगता है, पेल स्किन, स्किन पेल पीले जैसा हो जाता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, उसका मतलब वो बहुत जल्दी थकने लगता है। आयोडीन की कमी से एक रोग है ग्वाइटर, जिसको घेगा रोग भी कहते हैं, है ना, मतलब नेक के पास से वो देख रहे हैं यहाँ पर, ये है ना ग्वाइटर। एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड जो होता है, उसका एबनॉर्मल अप्रत्याशित ग्रोथ होने लगता है उसमें, मेंटल रिटार्डेड ग्रोथ, जिसको ये बीमारी है उसका ग्रोथ जो है सही तरीके से नहीं होता है, और मेंटल डिजेबिलिटी, और वो दिमागी तौर से काफी सुस्त हो जाता है। तीसरा है कैल्शियम, कैल्शियम हमारे बोन और टूथ डिके में काफी मदद करता है, ठीक है, तो उसकी कमी के कारण से हमारे बोन वीक्स हो जाएंगे, हमारा गम्स जो है वो काफी जल्दी उसमें ब्लीडिंग ज्यादा होगा, स्टंट ग्रोथ, हमारा ग्रोथ रुक रुक के होगा, मतलब अच्छे से नहीं होगा, दांत का झड़ना, कमजोरी, ये सारे सिम्टम्स हैं इस बीमारी में। अब देखिए फास्फोरस रिकेट्स इन चिल्ड्रन, फास्फोरस की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है वीकनिंग ऑफ बोन्स, हड्डी कमजोर हो जाते हैं, पुअर डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट जो उसका विकास है काफी खराब तरीके से होता है, अच्छे से नहीं होता है, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक तौर पर वो काफी रिटार्डेड रहता है, अच्छा से नहीं होता उसका विकास। अब है सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम की कमी से बॉडी एंड मसल्स वीकेंस, है ना, बॉडी और जो मसल्स होते हैं कमजोर हो जाते हैं, और उसको हो सकता है पैरालिसिस, मतलब लकवा होने की संभावना रहती है। इसमें क्या होता है मसल्स हमारे कमजोर हो जाते हैं, आदमी जल्दी थकने लगता है। तीसरा है फ्लोरीन जो है डेंटल क्राइस, दांत से संबंधित बीमारी है, इसमें पेन इन टीथ, दांतों में दर्द, सेंसिटिविटी टू हॉट एंड कोल्ड फूड और ड्रिंक्स, और जो हमारा सेंसिटिविटी है कुछ गर्म खा लिया, ठंडा खा लिया तो दांत कैसे सिहर जाता है, तो ये सब होता है फ्लोरीन के कारण से, है ना। और एक और है यहाँ पर एक्सेसिव फूड इंटेक जो होता है, अगर आप ज्यादा घर खाना खा लेते हैं, है ना, ओवर ईटिंग ऑफ फैट रिच फूड, अगर उसमें खासकर फैट ज्यादा है तो ये क्या करता है, ओवर वेट, हमारा वेट जो होता है जितना खर्चा होना उतना ही होगा, बाकी क्या होता है हमारे स्किन के नीचे में जाके स्टोर हो जाता है, उसके कारण से आदमी में मोटापन हो जाता है। मेनी पीपल स्पेशली चिल्ड्रेन ईट लॉट ऑफ जंक फूड, बच्चे जो होते हैं बहुत सारे वो जंक फूड जैसे बर्गर्स, चिप्स, है ना, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना, ये सब ज्यादा यूज करते हैं, उनको अच्छा लगता है, मजा आता है। तो ऑल दीज फूड्स, है ना, आइटम्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फैट्स, इन सभी में फैट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है एंड शुगर्स भी ज्यादा होते हैं, तो ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, और फिजिकल एक्टिविटीज बच्चे करते नहीं है, घर में रहते हैं, टीवी वीवी में फंसे रहते हैं, खेल धूप ये सब कम हो गया, इसके कारण से क्या हो गया, वो जो फैट जो होता है स्किन के नीचे में एक्यूमुलेट होता जाता है, जमा होता जाता है, जिसके कारण से ऑबेसिटी, मोटापा हो जाता है बच्चे में या बड़ों में भी। ओबेस पीपल में सफर फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, अगर जो ज्यादा ओबेस पीपल है, मोटे लोग जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से ग्रसित होते हैं, लाइक हाइपरटेंशन है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस है, वी कैन कंट्रोल, हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं एंड वी फिट एंड हेल्दी, और फिट और हेल्दी भी रह सकते हैं बाय रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, वो खाइए लेकिन रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज होते रहने चाहिए, ताकि फैट जो है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है जरूरत के हिसाब से लीजिए, और जो भी आप फैट या कार्बोहाइड्रेट यूज करें उसका यूज हो जाएगा, है ना, जिससे स्टोर नहीं हो पाएगा स्किन के नीचे, ओबेसिटी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से इस चैप्टर का रिवीजन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन आंसर मैम ने जो पढ़ाया होगा उन्होंने कुछ किया होगा आपको, है ना, ठीक है, तो मैं अब अगला लेशन रिवाइज करूंगा, तो जो भी हो फाइबर एंड फैब्रिक्स कल से स्टार्ट करूंगा, है ना, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।